शुरू कर दें इंशाल्लाह। 1 2 3 बिस्मिल्लाह। जनाब सदर, घर वाले हैं पास पास, अम्मी अब्बू भैया भाभी मुन्ना और मैं पप्पू साथ साथ, टीवी में देख रहे हैं कि कब होगी बरसात, कि इतने में लोड शेडिंग होती है, बिजली जाती है और हर कोई एक दूसरे को बस टक टक टकता रहता है कि कौन उठे और मोमबत्ती जलाए। जनाबे वाला घंटा गुजर जाता है मगर कोई नहीं उठता। जनाबे से आगे बात करें तो लोड शेडिंग के दर्द से हर कोई है दो चार, हर कोई है परेशान। मैं अपनी बात करूं तो भैया की शादी, सामने बैठी नसरीन, नसरीन पर आया मेरा दिल। मैंने सोचा कि आज जाऊं नसरीन से कह डालूं अपनी दिल की बात, मैं बड़ा नसरीन के जाने कि इतने में शादी हॉल में होती है लोड शेडिंग, जाती है बिजली। नसरीन के जगह मैं पकड़ता हूं फरीन का हाथ और दिल के सारे कह डालता हूं अहवाल, कि इतने में फिर वही होता है मेरा हाल जो ढक्कन हटने के बाद बिरयानी के साथ। जहाँ जनाबे वाला बिरयानी में तो सिर्फ चम्मच और प्लेटें टूट पड़ती थी, मगर फरीन के भाई ने मुझे इतना मारा कि क्या बताऊँ, घूसा लात और हुई मुझ पर चप्पलों की बरसात। जनाबे वाला आगे जब भाई की शादी हुई, भाभी घर आई तो एक दिन भाभी के हाथ में था सेब, सामने रखी थी जूसर मशीन, भाभी बनाने जा रही थी जूस, सेब का जूस निकालने जा रही थी कि इतने में फिर से हुई लोड शेडिंग और चली गई बिजली। भैया भाभी को देखकर पहले तो मुस्कुराए, फिर कहका लगाए और कहे, मोहतरमा बन गया आज आपका जूस, गई बिजली। मोहतरमा को आया गुस्सा, भैया को देखा, उसके बाद लोड शेडिंग के साथ ही निकला जूस, लेकिन सेब का नहीं, भैया का। फिर लोड शेडिंग खत्म होती है, बिजली आती है और बल्ब फटता है, बूम आवाज आती है, बच्चे कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जी हाँ जनाब, केक तो कटा था लेकिन भैया का भाभी के हाथों। जनाबे वाला बिजली इतनी 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 महारानी है कि ये कब आती है, कब जाती है, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, किसी को कुछ नहीं पता। बस अपने मन से, अपनी मर्जी से आती है और अपनी मर्जी से जाती है। अभी मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि बिजली 3 दिन नहीं जाएगी, ईद में लोड शेडिंग नहीं होगी। डर इस बात का है, खुदा रा कहीं ऐसा ना हो गले मिलने के बाद लोग आपस में ये कहने लगे कि भैया मुबारक हो बिजली नहीं जाएगी, ईद मुबारक देना ही भूल जाए। तो लोड शेडिंग से हम हैं परेशान, हम हैं बेचारे। जिंदगी में हमें बहुत सारी चीज़ें मिली करने को, बहुत सारी चीज़ें देखने को, जिंदगी में जो लोड शेडिंग के मामलात हुए, जिंदगी में जो लोड शेडिंग के मामलात हैं, इसने जिंदगी में जहां हमें बहुत आगे किया वहां हमें कुछ पुरानी यादें भी याद दिलाई हैं। शुक्रिया। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया।